नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubah.org naisubah.org। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई सुबह कंप्यूटर लर्निंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। मैं शायान। आज का जो हम ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसमें हम ये गाइड करेंगे किस तरह एक ब्लाइंड इंडिविजुअल फोल्डर क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, रीनेम कैसे कर सकता है और परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकता है, और मजीद भी इसमें हम कुछ चीजें गाइड करेंगे। तो आइए देखते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम लोग लोकल डिस्क डी में जाएंगे। लोकल डिस्क डी में जाने के लिए पहले मैं कंप्यूटर की कमांड दूंगा, विंडोज ई फॉर एलिफेंट। विंडोज ई कंप्यूटर आइटम्स न्यू मल्टी सिलेक्ट लिस्ट बॉक्स हार्ड डिस्क ड्राइव्स एक्सपेंडेड नॉट सिलेक्टेड लोकल डिस्क लेफ्ट पेरेंट डी कोलन राइट पेरेंट लोकल डिस्क लेफ्ट पेरेंट डी कोलन राइट एंटर लोकल डिस्क लेफ्ट पेरेंट डी। न्यू फोल्डर क्रिएट करने की कमांड है कंट्रोल शिफ्ट एन। Control Shift N, edit new folder left parent new right parent। अब अगर मैं यहाँ पे direct enter press करूँगा तो ये folder new folder left parent 2 के नाम से create हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको अपने नाम से create करूँ folder को, तो मैं backspace से वो जो लिखा हुआ उसको erase करूँगा। Right blank 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 S H A Y A N Shayan R A Z A Raza Shayan Raza मैंने टाइप किया और एंटर प्रेस कर दिया। Enter confirm folder replace dialog. Do you still want to merge this folder Shayan Raza date created colon 11 slash 4 slash 2018 9:07 p.m. with this one? New folder left parent new right parent date created colon 11 slash 4. No button to yes button to act. वो कह रहा है कि आप इसको मर्ज करना चाह रहे हैं इस फोल्डर से, तो मैं इसको यस प्रेस करूंगा। Enter local disk left parent shayan.jpg timetable.xlsx s Shayan Raza। ये शायन राजा का फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अगर मैं इसको रीनेम करना चाहूं तो मैं F2 की कमांड दूंगा। F2 edit blank। मैं इसको शायन रजा के बजाय शायन 123 के नाम से रीनेम कर रहा हूँ। A Z A R तो मैंने रजा इरेज कर दिया और यहाँ पे 1 2 3 टाइप कर दिया। 123 एंटर आइटम्स न्यू मल्टी सिलेक्ट लिस्ट से रीनेम हो गया। अब अगर इस फोल्डर को मैं डिलीट करता हूँ डिलीट की से, तो ये फोल्डर रिसाइकल बिन में शिफ्ट हो जाएगा। Delete folder dialog. Are you sure you want to move this folder to the recycle bin? Shayan 123. Date created. Colon enter. Local disk left. उसको मैंने yes पे enter press किया। अब हम चलते हैं recycle bin में, वहाँ जाके देखेंगे कि वो folder show हो रहा है कि नहीं। R recycle bin. Enter recycle bin. Items new mul s Shayan 123. यहाँ पे ये folder show हो रहा है। अब इसको मैं अगर restore करवाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे application key press करूँगा। Applications context menu. और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा रिस्टोर के नाम से, उसको मैं रिस्टोर पे जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो ये फोल्डर जहाँ से डिलीट हुआ था लोकल डिस्क डी में वापस जाके रिस्टोर हो जाएगा। Cut E, Restore E. इस पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। Enter, leaving menus, recycle bin, items, ये यहाँ से फोल्डर इरेज होके वापस लोकल डिस्क डी में चला गया। Alt F4. वहाँ चल के देखते हैं लोकल डिस्क डी में। Alt Tab, Audio Repeater 1, Alt Tab, Jaws Home New, Alt Tab, Studio, Alt Tab, Local Disk Left, Parent D, Smiley, Local Disk Left. यहाँ पे मैं S प्रेस करता हूँ। S special transmission S Shayan 2.jpg S Shayan CV.doc S Shayan documents S Shayan.jpg S Shayan 123. ये Shayan 123 के नाम से फोल्डर शो हो रहा है। अब इसको मैं अगर परमानेंटली डिलीट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं शिफ्ट डिलीट प्रेस करूंगा तो ये फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। Shift delete, delete folder dialog. Are you sure you want to permanently delete this folder? Shayan 123. Date created colon 11 slash 4 slash 2018. No button to yes button to activate. Yes, press space bar. Enter enter local disk. ये फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे गाइड करूंगा कि सेलेक्ट ऑल कैसे करते हैं, कि सारे फोल्डर एक साथ सेलेक्ट करने हो तो उसकी कमांड क्या है। उसकी कमांड है कंट्रोल ए, ए फॉर अल्फा। Selected playlist Sunday 6. जैसे ही मैंने ये कंट्रोल ए प्रेस किया तमाम फोल्डर सिलेक्ट हो गए। अब इसको मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ, रीनेम कॉपी कर सकता हूँ। रीनेम एक साथ सारे फोल्डर नहीं होंगे, रीनेम के लिए हमें एक एक करके करना पड़ेगा। हाँ, सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं इसको कॉपी कट और डिलीट कर सकता हूँ। कॉपी की कमांड है कंट्रोल सी, सी फॉर चालरी। डिलीट की प्रेस करेंगे तो सारे फोल्डर रिसाइकल बिन में चले जाएंगे। शिफ्ट डिलीट प्रेस करेंगे तो सारे फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे। और अगर कट करना होगा तो कंट्रोल एक्स, एक्स फॉर एक्सरे, ये कमांड है कट की। कट का मतलब होता है कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में मूव करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। और अगर कट करने के बाद जब हम पेस्ट करेंगे तो पेस्ट की कमांड है कंट्रोल वी। अब मैं यहाँ पे आपको गाइड करूंगा कि बीच बीच में से फोल्डर कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं। Home, for now, playlist. अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने 1, 3, 5 और 7 ये फोल्डर सिलेक्ट करने हैं, तो मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा। पहला फोल्डर ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा यहाँ पे। नॉट सिलेक्टेड 7 नॉट प्लेलिस्ट, नॉट सिलेक्टेड 14 नॉट प्लेलिस्ट। जिस फोल्डर को मुझे सिलेक्ट करना होगा मैंने कंट्रोल दबा के रखा हुआ है, उस फोल्डर पे आके मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो वो फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा।
control space, 14 op, not selected, 20, not selected, 28 op, playlist, control space, 20, not selected, certificate, control space, certificate. अब मुझे अगर चेक करना हो कि मैंने कौन कौन से फोल्डर सेलेक्ट किए हैं तो मैं कंट्रोल दबा के रखूंगा और अप एरो से चेक करूंगा कि मैंने कौन कौन से फोल्डर सेलेक्ट किए हैं। जो फोल्डर सेलेक्ट हुए होंगे उनका नाम ले रहा होगा, जो फोल्डर सेलेक्ट नहीं हुए होंगे वहां पे वो बोल रहा होगा नॉट सेलेक्टेड। नॉट सेलेक्टेड 37 प्लेलिस्ट, 28 ऑप प्लेलिस्ट, नॉट सेलेक्टेड 21 ऑप प्लेलिस्ट, 14 ऑप प्लेलिस्ट, नॉट सेलेक्टेड 7 ऑप प्लेलिस्ट, 4 ऑप प्लेलिस्ट, 7। इसी तरीके से अगर मुझे कंटीन्यूअस फोल्डर सेलेक्ट करने होंगे तो वो कैसे करते हैं, होम प्रेस किया ताकि मैं फोल्डर के टॉप पे आ जाऊं। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट दबा के रखूंगा और डाउन एरो प्रेस करूंगा तो कंटिन्यूसली जो फोल्डर सामने आएगा वो सिलेक्ट होता जाएगा। सिलेक्टेड 7 ऑप, सिलेक्टेड 14 ऑप, सिलेक्टेड 21, सिलेक्टेड 28 ऑप प्लेलिस्ट। उम्मीद करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल से आपको बहुत रहनुमाई मिली होगी। आइंदा फिर किसी ट्यूटोरियल में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ये मालूमाती मवाद आपके लिए नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। हमारे कंटेंट से मुतालिक अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।